हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचन मास्टर में। तो आज हम लोग फिर से बनाने जा रहे हैं एक रेसिपी जो कि है सुबह के लिए या फिर शाम के लिए। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप ये बना के खा सकते हैं। और ये रेसिपी है आपका तो मलाई ब्रेड हम लोग आज बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं इसको। मतलब कि आप लोग बच्चे लोग को भी टिफ़िन में दे सकते हैं पैक के, इतना इजी रेसिपी है ये। तो मलाई ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया है, ये स्लाइस ब्रेड है मेरा, ये मैंने यहाँ पे स्लाइस ब्रेड लिया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसमें चार पांच पीस लिया है, छः पीस लिया है। आपको जितना जितना खाना जितना बनाना होगा आप उतना बना के लेके बना सकते हैं। यहाँ पे चीनी है मेरा, चीनी मैंने ज़्यादा मतलब अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा, 3 से 4 चम्मच लिया है। और मेरा यहाँ पे 100 ग्राम मलाई है, ये मैंने बाहर का मलाई लिया है, मार्केट वाला मलाई है। घर का मलाई अगर आपके पास घर का मलाई है तो आप उससे भी मतलब उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ से मार्केट से ये मलाई लिया है, फ्रेश है, पूरा ताज़ा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा मलाई है 100 ग्राम। तो अब चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से आपका बन जाएगा, जो कि आपका ब्रेड है, मलाई है, चीनी है, बस। और आपको और कोई किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग गैस के पास आ गए हैं और मैंने यहाँ पे तावा ले लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तावा ले लिया है, अब हम लोग तावा को गर्म कर लेंगे और इसमें हम लोग मक्खन लगाएंगे। यानी अगर आपका पास कुछ और है लाइक कि घी देना चाहते हैं तो आप घी भी दे सकते हैं। तो हम लोग मक्खन को स्प्रेड कर देंगे तावा में। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मक्खन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हम लोग थोड़ा सा चीनी भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। और अब हम लोग जो हमारा जो ब्रेड है उसको हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। आपको जितना ब्रेड खाना है आप उतना ब्रेड सेक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लिया है बस। तो अब हम लोग तावा को मतलब तावा पे जो हमारा ब्रेड है उसको हम लोग दूसरे साइड में पलट देंगे, यानी कि दूसरे साइड में उसको पलट देते हैं। दोनों साइड हम लोग अच्छे से इसको मतलब बना पका लेंगे। तो अब हम लोग इसको दूसरे साइड पलट देंगे, यानी कि हमारा दोनों साइड अच्छे से पक गया है। हल्का हल्का हम लोग टोस्ट कर लेंगे। अब हम लोग का जो और जो 3 ब्रेड है उसको भी हम लोग इसके ऊपर डालेंगे। इसको दिखाओ, 4 गुना ही दिखाना है। तो हम लोग एक और ब्रेड सेक लिए क्योंकि हम लोग 2 बनाएंगे। तो इसमें 3 है और 1 यहाँ पे है। तो ये हमारा ब्रेड हो चुका है और ये हमारा मलाई है, आप लोग देख सकते हैं। तो मलाई को ना मम्मी अच्छे से एकदम मिक्स कर ले रही है, जितना भी मतलब मलाई थोड़ा हार्ड मतलब थोड़ा थोड़ा ये उबरा खुरबरा टाइप रहता है ना, तो मम्मी उसको अच्छे से मिक्स कर लिए, देख सकते हैं आप लोग। मलाई को फेंट लेंगे, जो इसमें रावड़ी दानेदार रहता है ना वो जो आपका ये हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, जो इसमें ढीला ढीला रहता है वो, तो इसलिए हम फेंट रहे हैं, आप लोग भी फेंट लीजिएगा। तो चलिए हम गाढ़ा है। तो 1 स्पून लेके हम लोग ना हम लोग का जितने भी मलाई है उसको स्प्रेड कर देंगे। तो हम लोग दोनों में लगा लिया, अब हल्का हल्का हम लोग सब चीनी डाल देंगे दोनों पे, थोड़ा थोड़ा सा।
और हमारा जो ये वाला ब्रेड है एक ठो जिसमें हम लोग मलाई नहीं लगाए हैं उसको इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम लोग इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो मम्मी इसको बीच से कट कर दे रही है, आप लोग देख सकते हैं क्रिस्पी हुआ है काफ़ी। तो ये हमारा एक तरह का बन के रेडी हो चुका है। मम्मी आपको एक और तरह का बनाई देखिए बनाना दिखाएगी कि कैसे एक और तरह का बना सकते हैं आप लोग। तो मम्मी यहाँ पे दो ब्रेड ली है जो कि आप देख सकते हैं। हम लोग जो ये ब्रेड लिए हैं इसको हम लोग सेकेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं इस पर। तो अब हम लोग इसमें भी लगा देंगे, दूसरे वाले ब्रेड में भी। अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा आप लोग। इसमें भी हम लोग ऊपर से हल्का हल्का चीनी दे देंगे दोनों में। और इसके ऊपर जो हमारा जो एक और ब्रेड था उसको हम लोग दोनों साइड डाल देंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम लोग बीच से मम्मी कट कर दे रही है। हम लोग इसको बीच से कट कर देंगे। तो हम लोग दोनों ब्रेड को बीच से कट कर दिए हैं। चलते हैं तवे पर। और यहाँ पे मेरा तवा है, अब इसमें हम लोग मक्खन डालेंगे। तो यहाँ पे एक चम्मच मम्मी मक्खन लिए, चीनी दे दी ऊपर से हल्का सा, ज़्यादा नहीं हल्का देंगे। और जो हमारा ब्रेड है वो डाल देंगे। तो अब हम लोग दोनों मतलब साइड से दूसरा साइड से पलट देंगे, आप लोग देख सकते हैं। हमने चीनी दिए हैं कि इसलिए इस पर भी मीठा मीठा दोनों साइड लगेगा, चीनी हमने इसलिए मिल्ट। हल्का हल्का सा हम साइड साइड में मक्खन दिए हैं दोनों साइड हो गए। तो ये दोनों साइड पक चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको निकाल दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। ये वाला जो है मेरा ये पूरा मैंने सेक के बनाया है, यानी कि इसमें मतलब दोनों साइड मैंने सेका था, और ये वाला एक ही साइड सेका हुआ है, दोनों साइड हम लोग नहीं सेक के बनाए थे, जो कि मैंने आपको पूरा दिखाया था वीडियो में सब कुछ। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही इजीली बन जाता है, आप लोग जल्दी से बना के इसको किसी को भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में हुआ या फिर टिफ़िन हुआ किसी को देना हो, या फिर आपको बच्चा लोगों को कुछ खाना हो तो आप लोग दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने के लिए। और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज़।